नमस्कार। आज हम जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर में बायोस का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली में बायोस होता क्या है और हमें बायोस में जाने की आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या उपयोग होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है जिस पर विंडो एक्सपी लिखा हुआ है, बना हुआ है, विंडो एक्सपी का डेस्कटॉप बना हुआ है, आप इसे पहचान सकते हैं। हम इसमें बायोस का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सबसे पहले आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद आपको एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है जिस पे बूटिंग प्रोसेस होती है, उस पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा। उस मैसेज को आपको फॉलो करना है। काफ़ी आपको नज़रें तेज़ रखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत ही सेकंडों में वो मैसेज गायब हो जाता है। प्रेस F2 या प्रेस डेल टू गो सेटअप, ऐसा करके एक मैसेज होता है। तो जैसा कि सिस्टम में मुझे पहले से ही मालूम है कि F2 से आप बायोस में जा सकते हैं। तो देखिए, प्रेस F2 टू एंटर सेटअप लिखा हुआ है। मैंने F2 प्रेस किया और मैं बायोस के सेटअप में इंटर हो जाऊंगा। अगर आप चूक जाएंगे, कुछ भी सेकंड के डिले हो जाएगा अगर, तो आपका सिस्टम ऑन नहीं हो पाएगा, बायोस को नहीं खोल पाएगा। जैसे कि देखिए, मैंने आपको बताने के लिए कुछ देर कर दी और मैसेज चला गया और हमारा सिस्टम वापस जैसे पहले एक्सपी का डेस्कटॉप था वैसा हो गया हमारा। तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल तुरंत, जैसे ही आपका सिस्टम बूट होता है, बायोस का जो मैसेज होता है F2 या डेल, जिससे भी आप बायोस में जाते हैं, वो प्रेस कीजिए। मुझे फिर से सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। अगर आप रीस्टार्ट टाइम पर सही की प्रेस नहीं कर पाएंगे तो आप बायोस में नहीं जा पाएंगे। उससे कोई लॉस नहीं होता है, बस आपका सिस्टम दोबारा बूट हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से आ जाता है। इस कंडीशन में आपको दोबारा फिर से कंप्यूटर का स्टार्ट पर जाकर रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। देखिए, मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। और जैसे ही आपका कंप्यूटर बूट होगा, आपको F2 प्रेस करना है। और F2 ही आपके बायोस में जाने की यूटिलिटी थी और आप बायोस में आ गए हैं। अगर आपके सिस्टम की बूटिंग में डेल लिखा हो तो इसका मतलब डिलीट बटन प्रेस करें आप अपने कीबोर्ड में, तो आप बायोस में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मेन, एडवांस, सिक्योरिटी, बूट और एग्जिट। उसके साथ ही साथ आप राइट हैंड साइड पर एक मेनू पढ़ सकते हैं, आइटम स्पेसिफिक हेल्प, टैप शिफ्ट टैब और इंटर सेलेक्ट फील्ड। इसका मतलब होता है टैब से शिफ्ट और टैब एक साथ प्रेस करने से और इंटर से आप एक कंटेंट के बाद दूसरे कंटेंट में जा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मेन है, एडवांस है, सिक्योरिटी है, बूट है, तो आप अपने कीबोर्ड में टैप प्रेस कर करके दूसरे ऑप्शंस में जा सकते हैं। जैसे सिस्टम डेट से सिस्टम टाइम पर जाना है तो आप टैप प्रेस कर करके देखिए, आपका कर्सर जो है सिस्टम डेट में मिनट, सेकंड और आवर्स में मूव हो रहा है। टैप दबाने से सिस्टम टाइम के अंदर आप मिनट, आवर और सेकंड में मूव होंगे। अगर आप सिस्टम डेट में जाना चाहते हैं तो आप बायोस के जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है उसमें सबसे नीचे लिखा है सिलेक्ट आइटम और एरो बने हैं, अप एरो और डाउन एरो। इसका मतलब होता है नीचे जाने के लिए डाउन एरो और ऊपर आने के लिए अप एरो। देखिए, सिस्टम टाइम से नीचे जाने के लिए डाउन एरो प्रेस कीजिए और ऊपर आने के लिए अप एरो। आप मूव कर रहे हैं, मेन लिखा हुआ है जो कि वाइट कलर से हाईलाइट है। और एडवांस में अगर आपको जाना है तो आप एरो की से साइड एरो जो है राइट हैंड साइड को जो डायरेक्शन दिखा रहा है उससे आप एडवांस में, सिक्योरिटी में, बूट में और एग्जिट में। और वापस मेन में जाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड एरो प्रेस करना होगा। सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आप कीबोर्ड की एरो से यूज़ करके देख लीजिए। सिस्टम टाइम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए, हर आइटम ब्लू है, केवल सिस्टम टाइम जो लिखा हुआ है वो वाइट है। इसका मतलब आप सिस्टम टाइम के अंदर हैं। और 15 ब्लैक कलर से डार्क हाइलाइटेड है, इसका मतलब आप आर के ब्लॉक में हैं। और आर के ब्लॉक में अगर आप चेंज करना चाहते हैं कुछ भी, तो
आप नम्स लॉक के द्वारा, देखिए मैं यहाँ पर नम्स लॉक के कीज प्रेस कर रहा हूँ और वहाँ चेंजेस हो रहे हैं। उसी तरह से अगर आप मिनट में जाना चाहते हैं, अगर आप मिनट में जाना चाहते हैं तो आप टैब की प्रेस करें, टैब की या इंटर की से आप, टैब और इंटर, ध्यान रखिए टैब और इंटर से आप सिस्टम टाइम के मिनट आवर और सेकंड में मूव कर सकते हैं। जो भी चेंज करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके नम्स की का यूज़ करें। उसके बाद सिस्टम डेट में भी ठीक उसी तरह से इंटर या टैब की से आप डेट, मंथ और ईयर में जा सकते हैं। टैब या इंटर दोनों की से जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसमें आप माउस अपने कीबोर्ड का यूज़ करें नम्स लॉक का। उसके बाद लीगेसी डिस्केट, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में जो भी फ्लॉपी ड्राइव लगी हुई है अगर वो चालू है तो इनेबल, आपकी चालू है अगर वो ड्राइव तो देखिए आपको बताएगा कि आपकी ड्राइव कौन सी है। यहाँ पर 3.5 लिखा हुआ, मतलब 3.5 इंच, 3.5 इंच, 3.5 इंच, 5.5 सही, 1/4 इंच, 5 सही, 1/4 इंच, ₹5.5। जी हाँ 5.25 इंच कि आपकी ड्राइव जो है वो लगी हुई है फ्लॉपी ड्राइव, और आप इसे बंद रखना चाहते हैं, कोई फ्लॉपी ड्राइव नहीं है तो आप इसे डिसेबल कर दें, या अगर आपके पास कोई फ्लॉपी ड्राइव इन में से है तो आप उसे सेलेक्ट करके इंटर कर दें। ऐसा हमें करना नहीं पड़ता है, अगर फ्लॉपी ड्राइव लगी हुई है तो ऑटोमेटिकली बायोस ही अपडेट कर लेता है। बायोस की एक खासियत है कि जो भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद लीगेसी डिस्केट भी, मतलब दूसरी फ्लॉपी ड्राइव नहीं है इसलिए वो डिसेबल है। प्राइमरी मास्टर स्लेव, सेकेंडरी मास्टर और सेकेंडरी स्लेव, आपकी हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव, ये सारे डिवाइस प्राइमरी मास्टर, सेकेंडरी मास्टर या प्राइमरी स्लेव या सेकेंडरी स्लेव में शो करेंगे। प्राइमरी मास्टर में जैसे आपकी हार्ड डिस्क शो कर रही है, जो कैरेक्टर, जो लाइन अभी आपको वाइट दिखाई दे रही है वो प्राइमरी मास्टर कहलाती है। यहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क शो हो रही है। देखिए इसमें इंटर करने के लिए, इंटर करने के बाद आपको हार्ड डिस्क की मैक्सिमम कैसे कैपेसिटी दिखाई देगी। आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, केवल यहाँ पर एक ही कॉलम वर्क कर, दो कॉलम वर्क करते हैं, ऑटो और इनेबल। ये ऑटो ही रहता है ये मोड हमेशा, और इनेबल को आप अगर डिसेबल कर दें तो वो बंद हो जाएगी, आपकी हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी, और इनेबल कर दें तो काम करेगी, जो कि हमेशा इनेबल ही होता है, होना भी चाहिए, वरना आपकी हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी। एस्केप, ESC, आपके कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट हैंड साइड एक कॉर्नर पे की होती है ESC, एस्केप, इसको प्रेस करने से आप बायोस में बैक कर सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ कंटेंट के अंदर जाने के बाद अगर आप वापस मेन में आना चाहते हैं, मेन मेनू में, तो आप ESC की प्रेस करेंगे। उसके बाद प्राइमरी स्लेव नन है, मतलब उसमें कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। सेकेंडरी मास्टर में कुछ कनेक्ट है, आइए हम देखते हैं क्या है। इंटर प्रेस किया हमने, और देखिए ये जो है आपका सीडी रोम है, सेकेंडरी मास्टर पोर्ट में आपका सीडी रोम लगा हुआ है। देखिए लिखा है VMware वर्चुअल आईडी सीडी रोम, है ना, और यहाँ पर इनेबल और डिसेबल है। डिसेबल कर देंगे तो आपका सीडी रोम वर्क नहीं करेगा, और इनेबल कर देंगे तो वर्क करना चालू कर देगा। वापस जाने के लिए वापस ESC बटन प्रेस करेंगे, लिखा हुआ है बिल्कुल नीचे बायोस में, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे ESC, और उसके सामने एग्जिट लिखा हुआ है, इसका मतलब आप वापस जा सकते हैं। सेकेंडरी स्लेव में कोई भी पोर्ट कनेक्ट नहीं है आपका। कीबोर्ड फीचर्स उसके बाद है, कीबोर्ड फीचर्स में देखिए नम लॉक ऑन है, इसका मतलब कंप्यूटर रीस्टार्ट होते साथ ही आपका नम लॉक पैड ऑन हो जाएगा और आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड ऑटो रिपीट रेट और कीबोर्ड ऑटो रिपीट डिले, ये जो टाइमिंग है ये ऑटोमेटिकली ही कंप्यूटर कीबोर्ड के फीचर के हिसाब अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। इसे आप चेंज ना करें और इसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। वापस हम ESC बटन प्रेस करके चलते हैं। सिस्टम कीबोर्ड फीचर्स के बाद हम सिस्टम मेमोरी और एक्सटेंडेड मेमोरी में जाने की कोशिश करेंगे, और हम डाउन एरो का यूज़ करेंगे। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही मैंने डाउन एरो यूज़ किया, सिस्टम मेमोरी और एक्सटेंडेड मेमोरी में हमारा कर्सर ना जाकर बूट टाइम डायग्नोस्टिक सेटअप में डायरेक्ट चला गया। इसका मतलब ये है कि सिस्टम मेमोरी, एक्सटेंडेड मेमोरी जो आपके कंप्यूटर की रैम होती है वो होती है, और उसमें आप जा नहीं सकते हैं, केवल आप उसे देख सकते हैं, जो कि एक रीड ओनली मेमोरी की तरह है।
बूट टाइम डायग्नोस्टिक स्क्रीन का मतलब बूटिंग टाइम के समय जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपने F2 गो सेटअप का मैसेज देखा था, या विंडो एक्सपी इंस्टॉलेशन करते समय प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी का मैसेज आया था, वो मैसेज बूट स्क्रीन पर आता है। वो स्क्रीन्स देखने के लिए आप इस स्क्रीन को इनेबल रखें। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो इसे डिसेबल कर देंगे, तो आपको बूटिंग के समय की कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं देगी। उसके बाद तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये बायोस क्या होता है, हम बायोस में कैसे जाते हैं, और बायोस में अंदर जाने के बाद हमने अलग-अलग मीनूज में जाने की कोशिश की। अभी पहला मीनू ही हमने इस वीडियो में कवर अप किया है, जो कि मेन वीडियो कहलाता है, मेन मीनू कहलाता है। अभी एडवांस सिक्योरिटी बूट और एग्जिट मीनू बाकी है, लेकिन मेन मेनू में क्या-क्या चीजें होती हैं, सिस्टम टाइम, सिस्टम डेट, आप यहाँ जाके सिस्टम की डेट और टाइमिंग चेंज कर सकते हैं,